नमस्कार दोस्तों, अगर आप अभी खेलना चाहते हैं 1xBet और आपको नहीं पता कि भाई इसमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हम कैसे करेंगे, किस तरीके से अपना हम अकाउंट बनाएंगे, तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि आप 1xBet जो एप्लीकेशन है उसमें किस तरीके से अपना अकाउंट बनाएंगे और किस तरीके से उसमें फिर आप पैसे कमाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हमने ओपन कर ली है अपनी 1xBet जो एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको इस गेम की लत नहीं लगानी है, क्योंकि इस गेम में आर्थिक जोखिम भी आपका हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको इसमें किसी गेम की लत लग जाती है तो हो सकता है कि आपको इसमें आर्थिक जोखिम भी हो जाए। तो मेरा बताने का फर्ज है कि आप इस एप्लीकेशन को बसत्ते खेलिए, दबा के खेलिए, लेकिन लत मत लगाइएगा, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब जैसे ही ओपन होगी, इसमें आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। बाकी सारे इसमें ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पर। तो जैसे ही दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन पर जाओगे, यहाँ पर आपके सामने यहाँ तीन चार ऑप्शन आएंगे, इन वन क्लिक, बाय फोन, फुल या वाया सोशल मीडिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन करना है वो बाय फोन करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि बाकी जो और ऑप्शन है इसमें आप भूल जाते हो कोई चीज़, तो फिर आप अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर पाओगे। और मान लीजिए आपने इसमें काफ़ी सारा पैसा अगर कमा रखा है तो फिर वो आपका बेकार चला जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ बाई फोन पर आपको जाना है। तो जैसे ही दोस्तों आप बाई फोन पर जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, एक तो कोड, कंट्री कोड होता है। मान लीजिए अगर आप इंडिया से बाहर के हो तो आपको अपनी कंट्री का यहाँ पर कोड डाल देना है, लेकिन अगर आप भारत से हैं तो +91 आपका इसमें आएगा। उसके बाद आपको जाना है फ़ोन नंबर पर। फ़ोन नंबर से जिस मोबाइल नंबर से आपको अपना अकाउंट बनाना है, आपको वह फ़ोन नंबर इसमें डाल देना है। उसके बाद नीचे आता है आपकी करेंसी, जैसे भारत में हैं आप तो INR आपको डालना है, किसी और कंट्री का आपको चाहिए तो वो डाल सकते हैं। मेन चीज़ आती है इसमें प्रोमो कोड। प्रोमो कोड डालने का फ़ायदा ये होता है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डालते हैं तो फिर आपको इसमें एक ऑफ़र मिलता है। ऑफ़र क्या मिलता है कि मान लीजिए आप इसमें शुरुआत में 1000 रुपये अपना डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये और मिल जाएगा, यानी कि जितना भी आप डालेंगे 100% बोनस आपको इसमें मिलेगा। तो प्रोमो कोड में आपको क्या डालना है, उसमें आपको डाल देना है HC23, ठीक है, HC23 आपको इसमें डाल देना है। तो उससे आप जितना भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट करेंगे पहली बार में, उतना ही जो है बोनस आपको मिल जाएगा, जैसे 1000, 2000, और ये मैक्सिमम 20,000 है, ठीक है। अब पता चला आप 50,000 इसमें डालने लगे तो 50,000 आपको नहीं मिलेगा, 20,000 तक का इसमें लिमिट है, यानी कि आपको 20,000 का फ़ायदा शुरू में ही हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब आप इसमें प्रोमो कोड डाल दोगे। नीचे आते हैं सिलेक्ट बोनस स्पोर्ट, तो यहाँ आपको जो है ये ऑप्शन नहीं छेड़ना है। उसके बाद आपको जितने भी ये दे रखे हैं कि आई एक्सेप्ट द कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशन, आई एग्री टू द कंपनीज प्राइवेसी पॉलिसी, एंड आई कंफर्म दैट आई एम ओवर 18 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद जो सही का ऑप्शन है हरे रंग का, इस पर आपको ओके कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तब आपसे ये पूछेगा कि आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इस पर टिक करोगे आई एम नॉट ए रोबोट पर, तब आपके सामने लिखा आएगा कि SMS विद एन एक्टिवेशन कोड विल बी सेंड टू आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, ठीक है। तो नीचे आपको सेंड कोड पर क्लिक कर देना है। अब आपके जो मोबाइल पर एक एक्टिवेशन कोड जाएगा, ठीक है, इस एक्टिवेशन कोड को आपके इसमें डाल देना है, वो आपके मैसेज के थ्रू आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक्टिवेशन कोड आ चुका है, और जैसे ही मैं ये एक्टिवेशन कोड डालूंगा, आपको नीचे जो एक्टिवेट लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक्टिवेट करते ही अब आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। यहाँ से आप इसको सेंड भी कर सकते हो या कॉपी भी कर सकते हो, और आपको जो है एक SMS भी आ जाएगा जिसमें आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आप जो है अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अभी इसमें पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें आगे क्या करना है, अब आपको जाना है इसमें अकाउंट डिपॉजिट जो ऑप्शन आएगा वहाँ से, कि आपको इसमें खेलने के लिए जो भी आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1000, 2000 जो भी, तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें हमारे सामने ऑप्शन होते हैं, PayTM, Jio UPI, Airtel UPI, Amazon UPI, IMPS, यानी कि इतने सारे ऑप्शन हैं कि आपने आज तक नाम भी नहीं सुने होंगे। बिटकॉइन तक का इसमें ऑप्शन है, ठीक है। तो इस किसी भी ऑप्शन से आप जो है अपना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी पैसा आपको इसमें लगाना है शुरू में, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि आपको इसकी लत नहीं लगानी है, केवल अपने ध्यान से खेलना है और एक तरह से इंजॉय लेकर खेलना है, ठीक है। अब आगे इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको आना है यहाँ से बैक, ऑप्शन आपने देख लिया है किस तरीके से आप इसमें जो है अकाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। अब आपको आना है मेन्यू पर। मेन्यू पर जाने के बाद आपको ऊपर इसमें ऑप्शन मिलेगा पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको जो आपका प्रोफाइल है वो अपडेट करना है, यानी कि आपको सही करना है।
तो अब आपको जाना है इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो लिखा है आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए भरनी होती है, जो भी अपना आप अमाउंट बनाओगे वो आप जब विड्रॉ करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सारी जानकारी आपको बिल्कुल सही डालनी है, ठीक है। अब इसमें आपको अपना नाम डाल दिया है, इस फिर नीचे इसमें ऑप्शन आता है आपका जन्मतिथि का, यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है। जन्मतिथि डालने के बाद आपके सामने आता है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आप कहाँ पर पैदा हुए हो वो आपको इसमें डालना है। उसके बाद आपको इसमें डाल देना है अपना रीजन, यानी कि जो आपका प्रदेश है वो आपको इसमें डालना है। जैसे उत्तर प्रदेश से मैं हूँ तो मैं इसमें उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आता है इसमें ऑप्शन सिटीज़ का, तो यहाँ पर जो है आपको अपनी जो सिटी है वो डाल देनी है। इसमें आप अपना ज़िला भी डाल सकते हो, ठीक है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो इसमें आप अपना ज़िला डाल सकते हो, जैसे मैं अपना ज़िला डाल देता हूँ। इसके बाद रेजिस्टेंट एड्रेस, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ से आपका कोई डाटा वगैरह कुछ भी लीक नहीं होता है, लेकिन जब आप कोई पेमेंट इसमें से लोगे तब आपको वो जो है दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं इसमें पूरा एड्रेस अपना डाल देता हूँ। फिर इसमें नीचे आपको ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट टाइप का, कि आप जो है किस तरीके का डॉक्यूमेंट इसमें लगाना चाहते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसमें जो है दोस्तों आपको अपना डॉक्यूमेंट टाइप डाल देना है। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको डालना है नेशनल आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड अगर आपको लगाना है तो नेशनल आईडी कार्ड डाल सकते हैं। उसका आपको नंबर देना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उसका क्या नंबर है, ठीक है। तो मेनली जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको इसमें अपना आधार कार्ड लगाना है, वो सबसे अच्छा रहता है पेमेंट लेने के हिसाब से, ठीक है। फिर आपको डेट ऑफ इशू डाल देनी है, कब आपका आधार कार्ड इशू हुआ है, और इशूड बाई, कि जैसे आप आधार कार्ड लगा रहे हो तो इसमें लिख देना आपको UIDAI, ठीक है। ये सब भरने के बाद इसमें आपको जो है सही कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सही पर टिक करोगे तो आपसे फिर यह पूछेगा कि आई एम नॉट ए रोबोट, और फिर आपको कुछ कैप्चा कोड दिया जाएगा, वो आपको इसमें भर देना है। उसको भरने के बाद लिखा आ जाएगा चेंजेस मेड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपने चेंज किया है वो आपका सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको इसमें एक अपना यूजर नेम भी बना लेना है। यूजर नेम कैसा होता है कि यह आपको 5 से लेके 20 कैरेक्टर तक का बनाना है, यानी कि 5 से कम नहीं होने चाहिए और 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसमें जो है अपना मैं नाम भर देता हूँ, और नाम डालने के बाद मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद फिर आपसे पूछेगा कि आई एम नॉट ए रोबोट, और फिर आपको इसमें कुछ कैप्चा दिए जाएंगे, कुछ इमेजेस वगैरह आएंगी, वह आपको सही से ओके कर देनी है, ठीक है। इतना भरने के बाद आपके सामने एक एरर मैसेज भी आ सकता है कि भाई आपका जो यूजर नेम है वो एग्जिट नहीं करता है। तो आपको इसमें कुछ ऐसा यूजर नेम सेलेक्ट करना है जो यूनिक हो, किसी और का ना हो, ठीक है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। डालने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब इसमें ऊपर नाम भी देख सकते हो कि मेरा नाम भी आ चुका है हिमांशु चौधरी। तो अब मेरा जो ये रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल कंप्लीट हुआ है। तो जब तक आप इसमें अपना आधार कार्ड, नाम, प्रोफाइल और अपना यूजर नेम और आप किस तरीके से पेमेंट करोगे ये सब नहीं भरते हो, तब तक आपका यह रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो कुछ लोगों को जो कमेंट आते हैं मेरी पिछली वीडियोस पर बनेक्स बैट की, कि भाई हमारा जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, या हमने कुछ पैसा जीता है तो वो हम जो है कैसे निकालें, तो ये समस्याएं उसमें आती हैं। तो आज मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया है कि इस तरीके से आप जो है अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, और फिर आप जो है अपना पैसा का विड्रॉल बड़े आराम के साथ कर सकते हो। कोई भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।